और आपका सवाल है तो ले चले इब्राहिम सभा को दे दीजिएगा। खैर मार गई देखें बॉलिंग तो साथ पार्ट टाइम तो कर ही लेता हूँ और उस पर भी प्रैक्टिस कर रहा हूँ। प्रैक्टिस मैच में मैंने बॉलिंग की थी काफ़ी और फैंस को देखा, हमेशा जब फैन तब खुश होते हैं जब आप जीतते हैं और अच्छी क्रिकेट खेलते हैं, तो कोशिश हमारी यही होगी क्रिकेट खेली जाए। रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं लेकिन एफर्ट हमारे हाथ में, जितनी अच्छी एफर्ट करेंगे रिजल्ट हमारे हाथ में। जी मेरा सवाल आपसे ये है कि अभी हमने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 टेस्ट मैचेस खेले थे अपने होम ग्राउंड में और 1 मैच हमने लूज़ किया था और 2 मैच जो है ड्रॉ हुए थे। आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप में अगले 2 टेस्ट मैचेस जो हैं वो भी काफ़ी अहमियत के हामिल हैं, बतौर कप्तान आप उसको कैसे देख रहे हैं कि हम पॉइंट्स किस तरह से हासिल करेंगे और आगे जिस तरह से आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप में ये दोनों टेस्ट मैचेस शामिल हैं उसके लिए आपकी कैसी तैयारी? देखें एज अ कप्तान हमेशा मैं टीम जीते पाकिस्तान का नाम रोशन और अल्हम्दुलिल्लाह से एज अ टीम हम काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं और इसी को कंटिन्यू करना कर रहे हैं। हम प्लानिंग होती है कि हम कहाँ जा रहे हैं, वहाँ की कंडीशंस क्या है, उनकी टीम क्या है, उसी हिसाब से भी प्लानिंग करते हैं कि हमने क्या वहाँ पे जाके किस तरह से क्रिकेट खेलनी है। और बिल्कुल हमारे पास काफ़ी टाइम था, जो यहाँ के लोकल थे वो आके एनसीए में प्रैक्टिस कर रहे थे, वहाँ की जो स्पिन जो ट्रैक है वैसे यहाँ पर बना के हमने प्रैक्टिस की, फिर हमारा पिंडी में कैंप लगा तो उससे हमें काफ़ी हेल्प मिली है और बिल्कुल काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं हमारे लिए। और जिस तरह एज अ टीम हमने ऑस्ट्रेलिया के गेंस खेला और अब इंशाल्लाह जाके श्रीलंका खेलेंगे, मैं पूरा उम्मीद हूँ कि हम इंशाल्लाह अच्छी परफॉर्मेंस देंगे। बाबर श्रीलंकन टीम की कॉम्बिनेशन उसको कैसे देखते हैं और आपने देखा कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज में वहाँ पर जो रिवर्स स्विंग खेलता है बैट्समैन को ज़्यादा रन करने कोशिश करता है, तो हमारा कॉम्बिनेशन इस हवाले से क्या होगा, किस तरह की तैयारी आपने की है खासतौर पर रिवर्स और स्विंग के हवाले से? देखें जौन सी भी टीम होम ग्राउंड में डेंजरस होती है और उनकी जो टीम है वो यंग टीम है और उनमें से 1-2-3 सीनियर प्लेयर हैं तो वो काफ़ी डोमिनेट कर रहे हैं और अपनी कंडीशंस को काफ़ी अच्छे तरीके से जानते हैं कि वहाँ पे कैसे खेलना है। बिल्कुल उसमें हम प्लानिंग करेंगे कि उनके बैट्समैन को कैसे हमने आउट करना है, जब तक आप 20 आउट नहीं करेंगे हम मैच नहीं जीतेंगे। तो हमारे बॉलर उस तरह की प्रैक्टिस कर रहे हैं कि हमने विकेटें लेनी है, क्योंकि जब तक विकेटें नहीं मिलेंगी तो वो रन चलते रहेंगे, क्योंकि जब विकेटें मिलती हैं तो वो प्रेशर उन पर आता है। तो वो ये चीज़ मिडल में टेस्ट मैच में आपको पता है पार्टनरशिप की ज़रूरत होती है, तो वो हम एज अ बॉलर्स जो हम प्लान कर रहे हैं कि हमने पार्टनरशिप कैसे लगानी है, डॉट बॉल कैसे करनी है, क्योंकि डॉट बॉल जब करते हैं तो आप पे ऑटोमेटिकली एज अ बैट्समैन प्रेशर आता है तो आपको मिस्टेक करते हैं, तो ये चीज़ हम पे उस पर काफ़ी काम कर रहे हैं। जिस तरह यासिर शाह बॉलिंग कर रहे हैं, नुमान बॉलिंग कर रहा है, बाकी नवाज बॉलिंग कर रहा है, तो हम मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है कि वो उस पर हम डोमिनेट करें।